अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा हनोई का जो ट्रिप था उसका व्लॉग शेयर करूंगी। सो मेक श्योर टू लाइक दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कम्प्लीट होने वाले हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो अभी हम लोग रास्ते में एंड तो चलें अब हम इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे तकरीबन दोपहर में हम पहुँच गए थे और 3 घंटे का आई थिंक डिस्टेंस था, और वहाँ पे जाके हमने पिक्चर्स बहुत सारी बनवाई। फिर हम लोगों ने लंच किया और फिर हम लोग पानी की तरफ चले गए। रियली इन्जॉयड देयर, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। एंड इवन दो मैंने तो फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग भी की थी, ऑब्वियसली वो क्लिप मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकती हूँ, बट दैट वॉज ऑल्सो समथिंग न्यू आई ट्राइड। खाना वाना खाने के बाद, पानी में इंजॉय करने के बाद बारी आई फ्लाइंग बोट की, जिसमें मैं बैठ तो गई और बैठने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया, बट ऑब्वियसली वह कुछ नहीं हो सकता था। ये देखो ये रात रात को यही रहते हैं जिस पर बिछाए। एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि अभी देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, बट रियली इट वॉज सो स्कैरी। मतलब आसपास पहाड़ थे, सामने का व्यू बहुत ही ज़्यादा देखने को खूबसूरत लग रहा था, बट जब वो बोट ऊपर जा रही थी तो आई वॉज लाइक कि अब तो बस एंड ओवर, अब मैं कभी फ्लाइंग बोट को ट्राई करूँगी नहीं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही क्रेजी गया है। फिर हॉर्स राइडिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद और सारे झूले ट्राई करने के बाद बारी आई बोन फायर की। दैट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। फिर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, 7 o'clock हो गए थे एंड लिटरली रावलपिंडी बहुत दूर है उससे, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। आते हुए हमने हम एक रेस्टोरेंट गए थे और हमें बहुत मज़ा आया। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।